नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है। यह भारत मिशन शनिवार को सुबह 11:50 बजे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के इस हिस्से पर कदम रखने वाला भारत पहला देश है। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा पर अपना खोजी अभियान चला रहा है और अब तक सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व की खोज कर चुका है। अब रोवर को चंद्रमा पर सबसे अहम तत्व हाइड्रोजन की तलाश है। चंद्रमा 3 के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने देशवासियों को आदित्य L1 के रूप में जश्न मनाने का एक और मौका दे दिया है। आदित्य L1 का लक्ष्य सूर्य के निकट मौजूद L1 पॉइंट तक पहुंचना है। यह पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद है। चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 भी पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। 16 दिन तक धरती के आसपास घूमने के बाद यह अपनी 109 दिन की यात्रा शुरू करेगा। वैज्ञानिकों के लिए सूर्य के पास किसी सैटेलाइट को भेजने बेहद चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि इसके केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। आदित्य L1 का मिशन का मुख्य लक्ष्य सूर्य की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूर्य की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, सूर्य के धब्बे और सौर तूफानी की भविष्यवाणी करने में समक्ष होंगे। आदित्य L1 मिशन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा और यह देश को अंतरिक्ष अनुवरण में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।